हेलो गाइज, कैसे हो? मच करने वीडियो लेके तो गाइज आज मैं जा रहा हूँ मिलिट्री बेस में। और गाइज यहाँ पे ठीक ठाक बंदे आने वाले हैं और इस वाले गेम में गाइज तुम्हें ए डब्ल्यू एम का ऐसा हेडशॉट दिखाने वाला हूँ ना मैं, मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक, मतलब तुमने देखा भी नहीं होगा भाई ऐसा वाला हेडशॉट। अब सामने यहाँ पे ये तीन बंदे उतरते हैं, लेकिन मैं इन तीनों को निपटा देता हूँ जल्दी से। अब मेरे को लगा था मैंने दो ही बंदे नॉक करे हैं, लेकिन मैंने तीनों कर देते, पता नहीं कैसे, ये तो मेरे को भी नहीं पता चला। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले तो लूट कर लेते हैं। यहाँ पे अब एक दो बोट मिलते हैं मेरे को, उनको निपटाता हूँ मैं, और फिर गाइस और बंदों को देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे गाइस मैं लूट कर चुका था ठीक ठाक, और भाई एक बंदे के फुटस्टेप्स आते सामने से। तो यहाँ पे गाइस मैं इस वाले बंदे को जल्दी से फिनिश कर देता हूँ, लेकिन भाई ये वाला बंदा डायरेक्ट नहीं जाता, इसका मतलब और भी बंदे होंगे इसके यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं हल्की से लूट वूट ही कर रहा था, लेकिन भाई इतने में एक और के फुटस्टेप्स आते हैं। भैया जी तो बहुत बुरी तरह भाग रहे थे, पहले मेरे को लगा था कि भाई वो खिड़की में चला जाएगा, लेकिन कोई फुटस्टेप्स नहीं आते, इसका मतलब बंदा ही है था। और भाई दीवार बना के मैंने इसकी सारी बुलेट्स को ब्लॉक मार दिया, और यहाँ पे गाइस इसको फिनिश कर देते फाइनली। अब यार बंदा एसएलआर और शॉटगन चला रहा था, पता नहीं उसे ये मिली थी या फिर जानबूझ के भाई ये कॉम्बिनेशन चला रहा था, पता नहीं। अब यहाँ पे गाइस एक गाड़ी खड़ी थी यहाँ पे, तो मेरे को लगा भाई बंदे बंदे भी होंगे आसपास, तो मैं हल्का सा आता हूँ इधर, लेकिन भाई कोई फुटस्टेप्स नहीं आ रहे थे इधर की तरफ से। तो यहाँ पे गाइस मैं हल्का सा बोट स्कैम करता हूँ, भाई पीछे से कोई रिप्लाई भी देता है वो भी बोट स्कैम करता है, तो घुमाते हैं गाड़ी और भाई चलते हैं। अब यहाँ पे गाइस मैं एक बंदे को तो नोक कर देता हूँ, और भाई दूसरे को भी मैंने अच्छा खासा डैमेज दिया है। तो मेरा प्लान था सीधे जाकर रश मारने का, लेकिन मेरे टीममेट की हेल्थ काफी लो हो चुकी थी, तो वो यहाँ पे रुक जाता थोड़ा सा, लेकिन मैं जाने की सोचता हूँ कि भाई इससे पहले बंदे रिवाइव वगैरह हो जाए, या पता मेरे को कहीं से एंगल मिल जाए और भाई निपटा दो बंदों को। तो यहाँ पे गाइस मैं रश मारने की सोच रहा था, और भाई बंदों के हल्के से फुटस्टेप्स आते कि भाई सामने की तरफ है, तो मैं सोचता हूँ कि घर के अंदर से जाऊंगा और बीच में थोड़ी सी हेल्थ भी कर लेता हूँ, मेरी भी हेल्थ मतलब थोड़ी सी कम थी। और यहाँ पे लेवल दो की वेस्ट पड़ी है, इसे भी ले लेंगे। और अब देखना भाई एक बंदा अपने टीममेट को कैसे ब्लॉक मारता है। मतलब एक तो भाई इधर की तरफ बैठा था, शायद से हीलिंग वगैरह कर रहा था या पता नहीं क्या कर रहा था, और भाई दूसरा वाला उसके पीछे बेचारा ब्लॉक होकर रह गया, वो ना फायरिंग कर पाया ना कुछ, ना हमें देख भी नहीं पाया होगा शायद से ढंग से, तो फायरिंग तो वो जब ही करता जब एम लगा पाता ढंग से। तो फिर गाइस हम यहाँ से निकलने की सोच रहे थे, और भाई इतने में गाड़ी की साउंड आती है, और वो ऐसी वैसी गाड़ी की साउंड नहीं है, किसी और के गाड़ी की साउंड नहीं है, हमारी गाड़ी की साउंड है। भाई हमारी गाड़ी लेके भग गया कोई, तो मैं यहाँ पे हल्की सी फायरिंग भी करता हूँ कि यार रुक जा यार ऐसा मत कर हमारे साथ, मतलब फाइटिंग वाइटिंग कर लेंगे थोड़ी। अब यहाँ पे यार बंदा फायरिंग वायरिंग करने लगता है सामने की तरफ जाके, और भाई हम भी बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले भाई। तो यहाँ पे गाइस हम आइस वॉल बनाते बनाते जा रहे थे कि क्या पता यार बंदा घर वर से झांक जाए, तो हम मतलब बच जाएं, और बंदा नेड फेंक देता है यहाँ पे, पीछे बोट था और सामने से ये बंदा मेरे टीममेट को नोक कर देता है। भाई मैं इधर हूँ यार, मतलब यार बंदे को फिनिश करने की पहले पड़ रही है, यानी कि भाई मेरे को मार ले, पहले उसका ये मकसद था कि भाई मेरे टीममेट को फिनिश करना है कैसे भी करके, मतलब मेरे ऊपर से ध्यान नहीं हटाते थे उसने बीच में से। तो यहाँ पे गाइस मैं अपने टीममेट को जल्दी से रिवाइव कर लूंगा, फिर थोड़ी सी लूट करते और भाई निकलते फिर यहाँ से। लेकिन गाइस उससे पहले बात कर लेते हैं अपने आज के स्पॉन्सर की। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा वनएक्स बेट के बारे में, जहाँ पे आप प्रिडिक्शन करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, मतलब बहुत ही सारा, क्रिकेट फुटबॉल ई स्पोर्ट्स टेनिस बैडमिंटन कहीं पर भी। तो गाइस इस वाली ऐप को ट्राई करके देख सकते हो, अगर आपको अच्छे लगे तो भाई आगे भी इस्तेमाल कर लेना, नहीं तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और इसमें गाइस आपको साइन अप करते के साथ ही मिल सकता है 7,000 तक का बोनस, और गाइस वो बोनस आपको जब भी मिलेगा अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो जो कि MRX हिंदी गेमिंग, जो आपको पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। तो भाई नीचे आपको लिंक मिल जाएगी पिन कमेंट में, वहां से जाओ और जल्दी से साइन अप कर लो और ट्राई करके देखो, क्या पता भाई आपकी प्रिडिक्शन सही निकल जाए। और इसमें गाइस आप पेटीएम गूगल पे कहीं से भी पैसे विड्रॉ कर सकते हो, काफी इजी होता है। तो यार यहाँ पे सामने फ्लेयर आ चुकी थी, हम आते हैं यहाँ पे, और गाइस यहाँ पे दिखाऊंगा तुम्हें कितना तगड़ा कैंपर, मतलब गाइस तुमने ड्रॉप कैंपिंग देखी होगी लेकिन इससे खतरनाक कैंपिंग नहीं देखी होगी, मतलब देखना भी। तो पहले तो मेरे को लगा था भाई ड्रॉप व्रॉप लूट के बंदे भग गए होंगे, मतलब कौन छोड़ रहा भाई ऐसे फ्लेयर मंगा के, नॉर्मल ड्रॉप होती तो अलग बात थी, जब फ्लेयर किसी ने मंगाई है तो लूट ही ली होगी। और भाई इतने में सामने ये बंदा दिखता है, इसको मैं नोक कर देता हूँ फटाफट, और भाई ये प्लान था रश मारने का इस पे, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि भाई सारे बंदे घर के अंदर होंगे, मतलब इसके जो टीममेट होंगे जिन्होंने फ्लेयर मंगाई है वो वाली स्क्वाड। तो अब रश मारने का प्लान था मेरा, लेकिन आगे जाके देखना यहाँ पे अलग ही सीन चल रहे थे यहाँ पे।
अब यहाँ पे गाइस मैं इस उम्मीद में आया था कि भाई इसके और टीममेट्स मिलेंगे, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे लूट वूट करता हूँ मैं थोड़ी सी, और भाई इतने में पहले मेरे को लगा बंदा यहाँ पे है, लेकिन भाई यहाँ पे नहीं था बंदा, मेरे को हल्की सी कंफ्यूजन हुई। अब यहाँ पे गाइस प्लान था मेरा कि भाई घर के ऊपर से जाके मतलब एंगल लूंगा, वहाँ से इजीली एंगल मिल सकता, थोड़ी सी हाइट होगी, और भाई देख ही रहा था मैं बंदे को इतने में। भैया जी पेड़ के पीछे से प्रोन होके शायद से एंगल लेने की सोच रहे थे कि भाई किसी को दिखूंगा ही नहीं, लेकिन मैं थोड़ा इधर आ चुका था तो मेरे को दिख गया है बंदा। अगर मैं जहाँ पे पहले था वहाँ पे रहता तो शायद नहीं देख पाता मैं उसे। और यहाँ पे गाइस मेरे को लगा भाई बंदा डायरेक्ट चला गया, मतलब और कौन नहीं होगा भाई यहाँ पे, मतलब जाके लूटते हैं फ्लेयर, लेकिन अभी तो देखना भाई क्या ही होता है। शायद से ये जो बंदे थे ना गाइस जो मैंने निपटाए ये दो, ये भी कोई और ही थे फ्लेयर के चक्कर में आए होंगे यहाँ पे। अब गाइस मैं यहाँ पे लूट कर रहा था मजे में, देख रहे हो भाई, भाई ये बंदा कब से बैठा होगा भाई इसमें वो टावर में, मतलब भाई हम इतनी देर से यहाँ पे चक्कर काट रहे थे गाड़ी वाड़ी से, तो भाई हमें तो कोई दिखाई नहीं यहाँ पे आता हुआ, इसका मतलब पहले से बैठा होगा जहां तक भी है। मतलब भाई इतनी गंदी कैंपिंग मैंने नहीं देखी भाई आज तक। तो यहाँ पे यार बंदा मेरे को डैमेज दे देता हल्का सा, और भाई ये वाला बंदा डायरेक्ट नहीं जाता, तो मैं यहाँ पे बस ये होप कर रहा था कि इसका आसपास कोई बंदा ना हो, क्योंकि नेड फेंक सकता था या फिर मेरी हेल्थ भी कम है तो एक चिपका भी दे आराम से, पता भी नहीं चलेगा और मैं यहाँ पे फंस जाऊंगा जोन के बाहर। तो यहाँ पे गाइस फाइनली इस वाले बंदे को फिनिश कर देते, इसके और टीममेट तो हमें मिलते नहीं है, और यहाँ पे गाइस अब निकलने का प्लान था। और गाइस इतनी तकड़ी ड्रॉप कैंपिंग देखी तुमने, अगर देखी हो तो भाई मेरे को कमेंट करके बताना, मतलब हो सकता है यार तुम्हारे साथ कुछ और ही तकड़े वाले सीन हो रखे हो कि भाई, मतलब जो भी यार बताना मेरे को कमेंट करके। तो यहाँ पे कैसे हम जोन में आते हैं, जोन में आते के साथ ये कुछ झोपड़ियां सी थी, तो मैं देख रहा था भाई यहाँ पे कभी कोई बैठा बैठा हो, क्योंकि भाई जोन के अंदर ज्यादातर जैसे जाते हैं कुछ घर वर होते हैं तो वहाँ पे बंदे होने के चांस होते हैं। अब यहाँ पे एक बंदा दिख जाता है मेरे को सामने की तरफ, अब यहाँ पे कैसे मैं उस वाले बंदे को इजिली मार सकता था M249 से, लेकिन नहीं भाई ये जो करना था मेरे को। तो भाई देखो इस वाली चीज के लिए लाइक और सब्सक्राइब तो यार बनता है, मतलब क्या खतरनाक हेड शॉट चुका है भाई क्लोज रेंज के अंदर, मतलब ये वाली चीज बहुत मुश्किल होती है, टीडीएम में काफी इजी होती है लेकिन क्लासिक में अलग लेवल की चीज होती है ये। तो हाँ यार लाइक और सब्सक्राइब मार देना यार, और बताना मेरे को कमेंट करके कि भाई ऐसी मैं चीजें ट्राई करता रहूं कि भाई क्लोज में AWM चिपका रहा हूं। अब यहां पे गाइस एक बंदा नेड फेंकता है और पीछे से मेरे को फुटस्टेप भी आए थे वैन के पास शायद से बंदा, तो यहां पे गाइस मैं पूरा फ्लैंक मार के जाता हूं उस वाले बंदे पर रश मारने, एक मोली भी फेंक देता हूं मैं, अब यार बंदा मोली से तो बच जाता है, वो इधर की तरफ आ चुका था, लेकिन मैं भी यार इतने में रश मार चुका था बंदे को फिनिश कर देता इजीली, और अब गाइस निकलते हैं। तो यहाँ पे गाइस हम बहुत देर से भटक रहे थे, मतलब तुम देख लो भाई जोन कितनी से बन चुकी है पहले के मुकाबले, और अब जाके भाई हमें यहाँ पे एक गाड़ी दिखती है, हम आते हैं यहाँ पे चेक करने, बंदों के फुटस्टेप्स आने लगे थे और भाई कुछ बंदे दूसरी तरफ से फायरिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है वो इनके टीममेट हो या फिर दूसरी स्क्वाड हो। तो मेरा प्लान था इन वाले बंदों पर रश मारने का, लेकिन यहाँ पे स्कैम होने वाला है तकड़े वाला। तो यहाँ पे गाइस पहले मैं सोचता हूँ कि भाई नेड फेंक दिया जाए, लेकिन अब यहाँ पे मैं अपने टीममेट से कहता हूँ भाई अंदर आ जा, नेड पड़ा है बाहर, पूरी 3 सेकंड पहले कही मैंने, लेकिन अब नहीं सुनी उसने तो भाई क्या ही कर सकते। अब यहाँ पे गाइस सबसे पहले तो मैं कवर से मारता हूँ थोड़ा सा, वैसे ये घर पूरा फटा पड़ा है, मतलब हर तरफ से इसमें खिड़कियां लगी पड़ी हैं, तो कहीं से भी एंगल मिल सकता है मेरे ऊपर, लेकिन ये आइस वॉल मेरी काफी हेल्प करती है, यहाँ पे मैं हीलिंग कर सकता हूँ मजे में। और एक घिली वाला दिखता है उधर की तरफ भागता हुआ, और अब देखना क्या करता हूँ उसके साथ, नो कर देता हूँ इसे मैं फटाफट। अब गाइस 3 बंदों के फुटस्टेप्स आ रहे हैं, इसका मतलब 3 बंदे भाई एक स्क्वाड के, वो अलग स्क्वाड नहीं थी जो दूसरी वाली थी, एक ही स्क्वाड के बंदे थे अलग अलग। तो यहाँ पे गाइस थोड़ी देर में इधर ही बैठने की सोच रहा था कि भाई मतलब यहाँ पे बंदे आएंगे निपटाऊंगा मजे में, लेकिन मोली खींचने की साउंड से आते हैं मेरे को, तो भाई मैं कूद जाता हूँ और भाई इस वाले बंदे को देखते हैं। अरे भैया कहाँ भाग रहे हो, ऐसे थोड़ी भागने देंगे। तो यहाँ पे गाइस मैं सोचता हूँ जल्दी से भाई M249 को रिलोड कर लेता हूँ, लेकिन मौका ही नहीं मिलता भाई, बंदे रश मार रहे थे। ये भी गया, बचा सिर्फ लास्ट वाला, और उसको भी देखो कैसे मारता है तुम्हारा भाई। तो यहां पे मैं सोचता पहले तो फर्स्ट एड मार लूं, लेकिन बंदा रश मारने लगता है। तो यहाँ पे गाइस मैं थोड़ी देर उसे आने देता हूँ, जिससे कि उस बंदे को शक सा ना हो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, वो सोचे कि भाई दूसरी तरफ हो सकता है, तो वो खुले आ मारो, मतलब ज्यादा एम वेम पे ध्यान ना दे। और फिर गाइस मैं जंप एंड शूट करता हूँ अचानक से, और भाई बंदे को फिनिश कर देते हैं। अब यहाँ पे गाइस वाले स्क्वाड को पूरा खत्म कर देता हूँ, लेकिन भाई मेरा टीममेट है फिनिश हो चुका था। अब गाइस यहाँ पे सिर्फ 2 बंदे लाइव रह चुके हैं, मतलब मैं और एक और बंदा होगा लास्ट का कहीं। तो यहाँ पे गाइस पहले तो मैं M249 को रिलोड करता हूँ, यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, तो प्लान था कि भाई गाड़ी से जितने भी घर वर्स हैं जोन में उनमें राउंड मारूंगा, बंदा मिल जाएगा कहीं ना कहीं तो। लेकिन यहाँ पे गाइस मेरे को शक था कि भाई इतनी देर फायरिंग चली है, और छोटी सी भी जोन है, इतनी बड़ी भी नहीं है, तो हो सकता है भाई
आसपास जो लास्ट वाला बंदा हो वो नजर गड़ाए बैठा हो कब उसे मौका मिले और कब वो मारे। तो यहाँ पे मैं रिस्क नहीं ले सकता। यहाँ पे गाड़ी के ऊपर स्मोक करता हूँ मैं दो और अब गाड़ी लेके राउंड मारते थोड़े से। अब यहाँ पे मैं इन वाले घरों की तरफ आते हूँ बंदे चेक करने के लिए और भाई इतना में फुटस्टेप्स आने लगे थे। अब यार बंदे के साउंड आते कि बंदे ने जंप लगा दी लेकिन भैया जी तो यहाँ पे थे भाई जंप वंप नहीं लगाए। मतलब भाई यहाँ पे टिप्स ट्रिक्स 2021 चल रही थी लेकिन भाई इसको फिनिश कर देते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक मार दो, सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए इस वाले चैनल पे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस। और हाँ गाइस 1xbet के लिंक आपको मिल जाएगी पिन कमेंट में, वहाँ पे आप प्रेडिक्शन करके काफी सारा पैसा कमा सकते हो।